नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आपणकर प्रिय ओडिया कुकिंग चैनल खाना रोजाना को स्वागत करुच्ची। आज आपण मानी खाना रोजाना किचन ने नहींक आसी पणस कटार केतोटी टेस्टी रेसीपी, तेज चलत आज से गुड़िक बनवा। ये मुझे दीटा पणस कठा नहीं, बेसी टाण पणस कठा नेबानी, कषि पणस कठा ही नेबा जहाँ टेस्ट बहुत भल आए। तो मुझे गोटे को आगे एमती काटि नहीं गोटे आपण मान सहित ये सेयार करूँ। भाव में आम प्रथम पणस कठा को दि पीस करदे जहाँफल ता भितर जो अठा सब बाहरी आपर ये मुझे सोरस तेल नहीं सोरस तेल को आम पनिकी में मारी मारिका ही ताको आम यहीपरी काटा जहाँफल इजिली कटिज। एबेटी देखु सबको एमती पीस पीस काटी सारापर मुझे पुणी हाथ में आगे तेल लगे आनिकी भी आगे तेल लगे जहाँफल कि यहाँ इजिली कटिव। एबे तार जो चोपा को आम यहीपर भाव में काटिद आर जो मझी पार्टर टाण अंशटा अच्छे ताकू भी एमती बाहर करदे। सेटा जदि आम भजार पकेबा तो सेटा जमा भी सीझी न था आ टेस्ट भल आस न था। एबे ताको एमती छोट छोट पीस रे काटि देबा। आपण जो पीस रो काटिबा चाहूबे जो साइज रो सही परी काटी परिबे। तो ये देखंतु केते गुडी काटिकी मु आपण मानको देखे दउची मु केमिति को साइज रो काटिची। एई परी भाव रे सब गुडी को काटि देबा आ एई परी तेल लगे कि ही काटिबा। तो देखंतु एटी मु सब काटि सारला परे ताको प्रेशर कुकर रे नै जाउची सिझेबा पई आ सिझेबा से सामान्य टिके लुण दे दूची। लुण देले एटा अल्प समय रे इजिली सिझी जीव आ लुणर टेस्टा भी सेथिरे आसीबो अलणा लागिबनी भजारे तार भितरटा। आउ तापरे मु सेथि टिके पानी दे दूची, बेसी पानी देबानी एमती मु अल्प ही पानी दूची। आउ या पर यार लीड लगे कि ताकु 4-5 सिटी देकि भलसे सिझै देबा। जेहेतु मु एटी कषि पणस कठा नेइची त बेसी समय लागिबनी सिझैबा पई। एबे पणस को सिझे सारा पर आम तापाई बैटर बनैबा जो थे आम छाणीबा। तो सेइटिपाई मु एटी नै जाउची प्रथमे बेसन को मु एटी 4 टेबल स्पून नै जाउची बेसन। आपण जेतिकी क्वांटिटी रो पणस नैथिबे भाजिबा पई से अनुसार बेसन रो क्वांटिटी कम बेसी करि परिबे। आ ता सहित नउची 1/4 टीस्पून लुण आ सामान्य टिके नउची हळदी पाउडर। एबे सब को एमती सुखिला रे प्रथमे टिके मिसै देबा आउ तापरे अल्प अल्प पानी देकि बैटर बनैबा। तो प्रथमे बेसी पानी देबानी मु देखंतु अल्प पानी देकि प्रथमे एमती बैटर बनि दउची जो थे कि आम जमा लम्स रहिबनी आउ इजिली मिसिजिबो। आपण चाहिले हाथ रे होकि यूज करे जो थे भी एको मिसै पारिबे। तो मु एटी चामच रे ही एमती मिसै दउची। तापरे आउ टिके पानी देकि ताकु जेति कंसिस्टेंसी रे बनैबा कथा सेतिकि रे बनै देबा। तो देखंतु मु एटी जेति कंसिस्टेंसी रे बैटर बनैची सेतिकि रे ही रखिबा बेसी पानीया करिबानी। एबे हमर ए बेसन रो घोळ एटी प्रस्तुत हे जैची आ जो पणस को मे सिझेई थिले से पणस को मु एटी काढी नैची आ ताकु एबे हम एथरे दे देबा एमती डीप कर देबा भाजिबा पई। एबे तापर जलंतु आमे जिबा ए पणस को फ्राई करिबा पई। तो फ्राई करिबा पई मु प्रथम एटी कढ़ई रे तेल गरम कर नैची। तेल ये गरम हो गलानी जो रखी थी पणस को डिप करके दे दूची आउ केयरफुली ही एटी देबा एटा कारण जेहेतु तेल गरम अच्छी। तो जी धरूची मुझे ही प्रथम दे दूची आ सांगे सांगे जमा भी चटु मारानी टिके समय पर्यंत बेसन को सेट होगाक देबा गरम रे। कषि पणस कटारे ये पणस भजार टेस्ट बहुत ही भल लगी था। जो पणस बेसी मंजी हो न था तो से पणस भजा कले बहुत ही टेस्टी लगी था। एबे एबे मार्केट रे एई पणस कठा इजिली अवेलेबल। तो आपण निश्चय थरे एई पणस कठा को आणिकी इपरी भजा ट्राए करंतु। एबे देखंतु टिके समय परे बेसन मोर तळु सेट हे गलाणी। एबे ताको एपट सेपट करिकी 4-5 मिनिट भितरे मु ताको इडी फ्राई कर नउची। बेसी समय हमर जमा भी लागिबनी जेहेतु पणस आमे आगुरु भलसे सिझी दिचंदी खाली बेसन हमर इडी भाजिबार अछि। तो एको बेसी जमा पूरा कड़ा भजा करिबेनी नहले एटा जमा भी मुसमुस हबनी। एबे देखंतु हल्का हल्का एटा भाजी हे गला परे तार कलर सामान्य चेंज हे गलाणी। तो एबे आमे एको एमती बाहर करिनेबा। एठी हमर एटा हे आसलाणी एमती गोटे गोटे करिकि जोटा हे जाउची तो मु एटी बाहर कर दउची। जमा पूरा लाल हेबा पर्यंत भाजिबानी एई स्टेज रे ही एको बाहर करनेबा तो बहुत ही टेस्टी लागी थाए।
एबे एठी हमर पणसर भजा त प्रस्तुत हो गला तबे चालंतु तापर बनेबा पणस कठार गोटे टेस्टी चपर रेसीपी बनेबा पई आमे प्रथमे तापई मसाला बनै नवा तो मसाला बनेबा पई मु एठी नै छी दीटा जो रसुण को ताकु फिटे कि नै जाई छी आउ ता सहित तीन इंच दुईटा अदा को एमती छोट छोट काटिकी नहीं जाइए जोटा कि भल कि धोईकी ही ना आसत गोटे पियाज को भी काटिकी नहीं जाइए एवं आम या दरदरा ग्राइंड करनेवा जमा फाइन पेस्ट बनैबानी एवं देखूँ मुझे पणस को आगुरी काटिकी धोईकी भल से सीझे जोटा कि आम पूरा भल से सीझी जाए ताकूमी मैसरे मैश करदे जेहेतु पणस भल से सीझी जाए तो एमती मैसरे मैश करदे इजिली मैश हो आपण चाहिले हातरे भी मैश करिपारिबे किंतु हातरे जदि करचोने तो हातरे टिके तेल मारिकी करिबे नहले हात अठाळिया लागिबो एको आमे देखंतो एटी भलसे एमती मैश करि देइछि सबु गुडीकु जमा भी गोटा रखिबानी सबुकु एमती मैश कर दबा एबे एटी देखंतो मोर सबु गुडीक एटी मैश हेइ जाइछि तो मो एटा पूरा दळा हेइ जाइछि भलसे आपण चाहिले हातरे भी एको करि नेबे एबे मुझे ये गैस गोटे कड़े नहीं गोटे टी स्पून तेल दे दूसरी आखिर गोटे कप बादाम मंजी मुझे नहीं हल्का हल्का से भाजी नवा बेसी तेल देकी भाजबानी सामान्य तेल देकी जमी भाजुचे सेमती अल्प तेल देकी भाजवा खाली टिके भाजी होमती तार कंचाटा पलेब गोटे रु दुई मिनिट पर देखूँ मोर ये पूरा भल से भाजी हो जाए आम यू बाहर करदे एबे सेई कड़े ही मुझे दुई टी स्पून तेल को ता सहित दूँ गोटे टी स्पून जीरा फुटापी तेल गरम हेले आमे जीरा फुटेबा एमती एबे से दे दूँ जो मसला बटा आमे प्रथम रु प्रिपेयर करथले दरदरा ताकु छेचिकी रखी थी ताकू दे दूँ चले चलेगा भल से तेल रे कसी देबा जमी आम मसलार कंचा स्मेल पलेबा भल से टिके भाजी हो तो से भितर ही आम से देबा हलदी पाउडर मुझे दे दूँ हाफ टी स्पून हलदी पाउडर ताकू भी एमती मसलार एवं मिसेदेबा सहित दे दूँ गोटे टी स्पून पखापाखी कश्मीरी लाल मिर्च ताकू भी एमती मिसेदेबा जोटा कि आमर ए कलर बहुत बढ़िया आनी थाए एवं एमती भल से मिसेक भाजीदेला मुझे दूँ गोटे छोट चामच हेंगू को सहित भी दे दूँ गोटे टी स्पून पखापाखी सब्जी मसला जोटा कि आमर ये मसला बहुत ही बढ़िया टेस्ट आनी थाए एवं आम एम चल चलिका भल से भाजी ना जमी आम मसलार कंचा स्मेल पलेब आम ए पा जमा भी देवानी एमती चल चलिका ही भाजीदे जदि तलू लग जाए तो सांगे सांगे यहीपर भाव में ऊपर तल करतापुर देखो जो पणस को मुझे सीझे चकटिकी रखी थी से पणस को ये देदेगी अल्प अल्प पणस देखिए मसलार एमती मिसईदे वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु भल लगे आम चैनल को निश्चय लाइक करंतु फ्रेंड सर्कल ले निश्चय शेयर करंतु चैनल ले नुआ थले चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करनियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करबा को जमा भी भूलिबेनी एबे सबु पणस को एटी दे देबा आमे एमती आ तापरे जो बादाम को आमे आगुरु भाजी की रखी थले से बादाम को भी एटी दे देबा ता सहित मु एटी दे दउची लूनो को मु एटी गोटे टी स्पून लूनो नै छी कारण पणस जितेबाला सीझे थी से भी अल्प लुण दे तो से अनुसार ये लुण देवा मुझे गोटे टी स्पून लुण दे आमती मसला को देखिए भल से मिसई ना आक चार पांच मिनिट पर्यंत एम चल चल कषि ने यहाँ जमी आम टे सुखा सुखा हो भल से भाजी हो तो देखो ये तीन चार मिनिट पर्यंत मुझे भल से हाई फ्लेम चल भाजीदेला मोर यहाँ हो जाए आम यू थंडा होगापी छाड़ीदे आउ से देदे कि कंचा धनिया पत्र जोटा आम बढ़िया बास्ना आसो ताकू भी एमती मिसईदे आम एक थंडा होगापी छाड़दे एवं देखो से पणस को काढ़ी मुझा करदे आईटा आम पूरा भल से थंडा हो जाए एमती सेप देदे मुझे बल सेप देखें जेकोसी सेप चाहिए देपर तो सबूगुड़ी मुझे प्रथम सेप देदेवी तापर मुझे नहीं जाऊँ बेसन गोटे जगार मुझे तीन कप बेसन नेती क्वांटिटी पणस बनईबे तो से अनुसार बेसन टे कम बेसी करें मुझे नहीं जाऊँ हाफ टी स्पून हलदी पाउडर हाफ टी स्पून लुण आ सहित नहीं जाऊँ सामान्य खाइबा सोडा
बेसी सोडा देवानी, बेसी सोडा देले तार कलर टा चेंज हो पूरा रेड रेड कलर आसी जीव जमा भलो देखा जीवनी। एबे सेडा सब आमे एमती सुखा सुखा रे मिसेई देबा आ तापर अल्प अल्प पानी देकी आमे यार बैटर बनेबा। तो प्रथमे मुई अल्प पानी देकी ताकु खाली मिसेई दउची जेमती केवल लम्स न होबो। जदि एकातरे अधिक पानी आमे दे दउचंती तो लम्स एकातरे हेई जीवो आ सेटा जमा भी आ मिसेई होबोनी। सेतमे अल्प पानी देकी हल्का से प्रथमे यार लम्स फ्री गोटे बैटर बनेबा थिक बैटर टे। तापरे आमे सेइतरे आ पानी देकी ताकु आ टिके पानीया करबा। एबे देखंतु मुई आउ टिके पानी देकी ताकु पुणी आउ टिके पानीया करची। तो एबे हमर एटी बैटर प्रिपेयर हो जाइछि। एबे हमें को रेस्ट पाई 5-10 मिनिट पर्यंत रखी देबा जेमिति हमें सोडा तो देइछन्ति सेटा टिके हमर राइस करबा पई। एबे देखंतु 5-10 मिनिट परे मुई एटी तेल को भलो से गरम करि नैछि आ एटा हमें फ्राई करबा पई टिके अधिक क्वांटिटी रा तेल दरकार आ तेल पूरा भलो से गरम हेतिबा दरकार। तो मुझे तेल को पूरा भल से गरम कर करदे जो पणसर बॉल को बनईली ताकू से बेसन बैटर रे डीप करी मुझे फ्राए करुच्ची। तो फ्राए करवा बेले आम एम पकईदे से भल से डीप करी बहुत ही केयरफुली करवा कारण अधिक क्वांटिटी तेल ये गरम हो तो सहीटा आम केयरफुली ही करवा। एकाथे जी धरुची तो मुझे देदे सांगे सांगे जमा तलु चटु मारानी मुझ आगु भी कही जो फ्राए करूँ तो तलु बेसन टे सेट हो पर्यटन आम अपेक्षा करवा। तो टिके से तलु भाजी जो सेट होपर आम ओल्ट पाल्ट करके भल से फ्राए करने ये पणसर ये चप बहुत ही टेस्टी लगी थाए आप निश्चय को थे ट्राए करेंगे। एबे देखंतु मु टिके समय पर धीरे धीरे हल्का हल्का से ताकु एमती ऊपर तल करुची तलु टिके बेसन सेट होगला पर एबे ताकु एमती ऊपर तल करिकि भल से 3-4 मिनिट भितर आमर एटा फ्राए हेइ जिवो। तो देखंतु मु एटी भल से ताकु ऊपर तल करिकि एमती फ्राए करि नउची। एबे देखंतु आमर एटा भल से फ्राए हेइ जाइछि तो आमे ताकु एबे एमती काढ़ी नेबा आ काढ़िला बेले ही बहुत केयरफुली रे काढ़िबे कारण सेते बेले भी तेल बहुत ही गरम थिवो। एबे एटी आमर पणस चप भी प्रस्तुत हेइ जाइछि। तेज चलत आम तापर बनने पणस कठार ये टेस्टी तरकारी रेसीपी जोटा कि पूरा मंस तरकारी पी लगी थाए। पणसर ये रेसीपी को बनवापी आम प्रथम पणस को यहीपरी छोट छोट साइज रे काटिकी नहीं जीवा आउतापर ताक आम प्रेसर कुकर में नहीं जावा सीझेवाई। तो सब पणस को मुझे काटिदे आ प्रेसर में नहीं जाऊँ सीझेवाई सामान्य टी लुण देदे भलसे सीझे जमी आउ पानी दे देबा पानी दे देले भलो से सिजिबो आउ पानी जेमिति देबा पणसर अधा पर्यंत पानी हे जिवो। तेबे आमे को प्रेशर कुकर रे सिजि देबा ई परिभावरे आउ सेई भितरे ही मु कढ़ई रे नै छी 3-4 टीस्पून तेल आउ ता देह रे भाजी दउ छी आलू सबु को मु एटी 5-टी आलू को ई परिभावरे काटि कि नै जाई छी आउ ताकु ई परि भाजी दउ छी आउ सेई तरे भाजिला बेले दे दउ छी सामान्य हळदी पाउडर सुंदर कलर आसीबा पई। एबे 5-10 मिनिट पर्यंत आम यहपर भाव में चलई चलिका भाजीदे। तो प्रथम जदि आप शीघ्र जाऊँगी तो एक आपड़ कभर करके भी गोटे 2 मिनिट पर्यंत छाड़ीपर। एबे ये देखूँ मुझ 5-10 मिनिट पर आलू को काढ़ी नौ ये मोर भल से पूरा सीझी जा फ्राए भी भल से जाइए देखूँ के सुंदर कलर भी पड़ आस। एबे से ही कड़ई में जो तेल था से तेल ही सीझेक रखी पणस को भाजवापी नहीं जाऊँगी। पणस को जमा बेसी तेल रे कि बेसी समय पर्यंत भाजबानी सब पणस को देकी अल्प तेल रे इपरि भाव रे टिके सोते करने बा जमते हल्का हल्का से टिके भाजी जिवो। बेसी भाजबानी बेसी भाजले जदि हार्ड हे जिवो तो तरकारी रे टेस्ट भला आसिबोनी। केवल एतिकी भाजबा जमते सेटा सॉफ्ट भी रहइबो आ तरकारी रे मिलै जिवोनी आ तार कलर भी बहुत सुंदर पड़ी। एबे एटी देखंतु 5-7 मिनिट पर्यंत मु ताकु हल्का हल्का से चलेकी एमते भाजी देछि तार कलर भी टिके टिके गोल्डन तार कलर भी टिके टिके गोल्डन कलर आसीगलाणी। तो यही स्टेज रे ही मुझे बंद कर दूची गैस को आउ तापर चलतु यार तरकारी को बनेबा। एबे तरकारी को बनेबा पई मुझे नहीं जाइए गोटे बड़ सिल्वर कड़ई आउ से नहीं जाऊँ 4-5 टीस्पून सोरिष तेल। सोरिष तेल रे आम ये टेस्ट बहुत भल आसता है तरकारी आउ तेल क्वांटिटी टिके ही अधिक रखा ये तरकारी आउ ता सहित देउची गोटे टी स्पून चीनी को जोटा कि आम तरकारी बहुत सुंदर कलर आनी थाए।
ତ ଚିନି ଏହିପରି କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଉଛି ତେଜପତ୍ର 2 ଆଉ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 4 ପିଆଜକୁ ଏମିତି ରଫ୍ଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଥିରେ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଚଲେଇ ଚଲେଇକା 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା ଯେମିତି ପିଆଜ ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ପିଆଜ ବି ମୋର ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏମିତି ଚଲେଇ ଚଲେଇକା ହିଁ ଭାଜିଛି। ତ ଏବେ ସେଇ ସ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଟମାଟୋକୁ। ମୁଁ ଏଠି 4 ଟମାଟୋକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାକୁ ବି ଏମିତି ତା ସହିତ ଚଟୁରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1 ଫୁଲ୍ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ପୁରା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ବନେଇଥିଲି ଆଉ ତା ସହିତ ହିଁ ଗରମ ମସଲାକୁ ବି ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ଗରମ ମସଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଅଦା ରସୁଣ ବଟାରେ ବାଟିଦେବା ତ ତରକାରୀରେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲାରେ କିଛି ଡାଲଚିନି, ଅଳେଇଚ ଆଉ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇକି ୟା ସହିତ ଭଲସେ 5-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା ଯେମିତି ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ 1 ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଦେଉଛି 2 ପାଖାପାଖି କଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆଣିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଚଲେଇ ଚଲେଇକା 5-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ତାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ହିଁ ଚଲାଉଥିବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ତରକାରୀ ମୁତାବକ ଲୁଣ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି 2 ଲୁଣ ଯେହେତୁ ମୋର ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଟିକେ ପଣସ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ରକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି। ଏବେ ତାକୁ ବି ଏମିତି ଚଲେଇ ଚଲେଇକା ଟିକେ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ତ ମସଲା ମୋର ଏଠୁ ଟିକେ କଷି ଆସିଲାଣି ଆଉ ତଳୁ ବି ଲାଗି ଆସିଲାଣି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ, ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ଏବେ ଏଇଠି ଆମର ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ବି ପଳେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ତା'ର ଆସୁଛି ଆଉ କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ବି ଏମିତି ମସଲାରେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଆଉ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପଣସକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଣସକୁ ବି ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ପଣସକୁ ବି ଭଲସେ ଉପର ତଳ କରିକି ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ମସଲାରେ। ଆଉ ତାପରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଝୋଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ଚାହୁଁଥିବେ ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ଆମେ 10-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ପରେ ମୁଁ କଭର୍ ଖୋଲି ନେଉଛି ଆଉ ତରକାରୀ ଆମର ଏଠି ପୁରା ଭଲସେ ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପଣସ କଠାର 3 ରେସିପି ସେୟାର କଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।